हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया मैं हूं प्रेरणा शर्मा आपकी मैडम और इस वीडियो में मैं एन क्लास फिफ्थ इंग्लिश का यूनिट नंबर नाइन का पोएम सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल का टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगी यह पार्ट टू वीडियो पार्ट वन वीडियो में मैंने इसी पोयम को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से समझाया है अगर आपने उसे तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो लेट स्ट्रेट अवे जम्प टू द फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग इज फन विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन सिटी तो क्योंकि हमारी जो कविता है वो शहर में लोगों के आने जाने के ऊपर ही लिखी गई है कि शहरों में लोग किस तरीके के अलग अलग लोग हमें देखने को मिलते हैं तो वो लोग किस किस तरीके के गाड़ियों पे चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉट वी सी आर टू मूव अराउंड इन सिटी पीपल यूज बसेस टैक्सीज कार्स स्कूटर्स ऑटोस साइकिल्स एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विथ दम वाइल मूविंग अराउंड जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ क्या क्या कैरी करता है कैरी करता है मतलब उसके हाथों में क्या क्या सामान रहता है सो आंसर इज पीपल कैरी हैट्स दे कैरी एम्ब्रेलास हैंड बैग ब्रीफ केसेस एक्सेट्रा विथ डेम While moving around, अगर आपने भी अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया तो अगली बार जरूर रस्ते पे देखिए कि लोगों के हाथों में क्या क्या सामान रहता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह रस्तों पे जाते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दीज वेरी बिजी पीपल यहाँ पे रस्ते पे हमें जो कोई नजर आता है इतने जल्दी जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह चलने लगता है कि हमें लगता है कि अरे पॉपरे इतना बिजी है ये इंसान इतनी जल्दबाजी है इसको तो आपको क्या लगता है आप इन बहुत व्यस्त लोगों को कहाँ कहाँ पाते हो सो आंसर इज आई फाइंड दीज बिजी पीपल ऑन रोड्स ऑन साइडवेज ऑन सब इन लिफ्ट इन स्टोर टॉल बिल्डिंग्स एट बस स्टॉप एवरीवेयर तो मतलब पोयम में पोएट्स ने जितने भी अलग अलग जगह पे लोगों को देखा है उन सब जगहों के नाम हमें इस आंसर में लिखने हैं उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर वेर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल लोगों की भीड़ आपने कहाँ-कहाँ देखी है एंसर आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन एंड अराउंड द टेम्पल्स रेलवे स्टेशन बस स्टॉप्स हॉस्पिटल्स सिनेमा हॉल्स शॉपिंग मॉल्स फेयर मतलब मेला एंड पार्टीज एक्सेट्रा लोगों की भीड़ हम कहाँ देखते हैं क्राउड क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्राउड इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड एट अ सेम प्लेस एक छोटी सी जगह पे ही जब हमें बहुत सारे बहुत सारे लोग आपस में ऐसे लगते हैं कि चिपके हुए हैं इतने सारे लोग हमें नजर आता है उसे हम बोलते हैं क्राउड तो इस तरीके के क्राउड हमें कैसी कैसी जगह पे नजर आता है मंदिरों में रेलवे स्टेशन में जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में ट्रैवल करते हैं जो बस में ट्रैवल करते हैं हॉस्पिटल्स में सिनेमा घरों में शॉपिंग मॉल्स में मेलों में पार्टीज में हमें लोगों की भीड़ नजर आती है देन द क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी आपको क्या लगता है कि ये जो लोग है ये हमेशा जल्दबाजी में क्यों रहते हैं सो द आंसर इज ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन लिमिटेड टाइम ये लोग इतनी हरी भरी में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको बहुत सारा काम करना होता है एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड टाइम मतलब एक फिक्स्ड समय के अंदर जैसे आपको अपने स्कूल शायद 8 ए एम पहुंचना होता होगा लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे तो क्या होगा लेट हो जाएंगे ना तो इसीलिए 8 बजे के अंदर ही आप स्कूल में पहुंचे आपको सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है रास्ते पे भी आपको जल्दी जल्दी स्कूल बस में जाके जाना पड़ता है और घर वापस आएंगे आप शायद दो या फिर तीन बजे के अंदर तो इस तीन बजे और आठ सुबह के आठ बजे के बीच का जो समय है उसी समय के अंदर आपको अपनी सारी पढ़ाई करनी है तो आपके साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं उनको भी अपने स्कूल में पहुंचना होगा तो वो भी जब रास्ते पे ट्रैवल कर रहे होंगे स्कूटी में बस में या फिर किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो उन्हें भी बहुत जल्दी जल्दी स्कूल में पहुंचना होगा नहीं तो अगर मैडम ही लेट हो जाएगी तो वो कितनी बुरी बात होगी ना दैट इज वाई पीपल आर इन अ हरी

ए बी ओ E Above. उसके बाद लाउड मतलब बहुत तेज लाउड का ऑपोजिट है quiet, Q -U -I -T -E, quiet, मतलब धीरे-धीरे ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं टॉल एंड शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट क्राउड मतलब भीड़ भीड़ का ऑपोजिट क्या होता है जब कोई इंसान अकेला होता है अलोन ए एल ओ एन ई अलोन Go का है, -E, come. तो इस तरीके से सारे पूरे हो गए उसके बाद आपके टेक्सट बुक में एक और पोएम है द विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड एक ऐसा बच्चा जो गांव में रहता है और एक ऐसा बच्चा जो शहर में रहता है अब उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में पोयम लिखा जैसे विलेज चाइल्ड ने लिखा कि उसे विलेज में रहना कैसा लगता है उसके विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ वो मिस करता है वैसे ही शहर में रहने वाले बच्चे ने भी लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि जो तुम मिस कर रहे हो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है मुझे भी सिटीज़ में रहने में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आती है और बहुत सारी चीज़ों को मैं मिस करता हूँ तो चलिए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं विलेज चाइल्ड क्या लिखता है माई होम इज house नियर अ वुड मेरा घर एक ऐसी जगह है एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे वुड है मतलब ये बच्चा जो है ये फॉरेस्ट के आसपास के विलेज में रहता है जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, घने घने जंगल हैं बहुत सारे वुड है आई वुड लिव ये है शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ आई वुड आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड अगर मेरे बस में होता अगर मैं कर सकता कुड़ मतलब अगर मैं कर सकता आई लिव इन मैं शायद रस्ते के ऊपर घर बना के रहता रस्ते के ऊपर घर कहाँ बनते हैं सिटी में बनते हैं तो ये विलेज चाइल्ड मन मन में सोच रहा है कि काश मेरा घर भी शहर में होता सिटी में किसी रस्ते के ऊपर मेरा घर होता ऐसा ये क्यों बोल रहा है I do wish someone lived near. मैं ये सोचता हूँ कि काश कोई मेरे पास में रहता क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत कम लोग रहते हैं इस बच्चे के घर के पास में शायद कोई और बच्चा होगा नहीं ये बोर होता है तो ये बच्चा सोच रहा है कि आई डू विश मैं सोचता हूँ कि काश कोई सम वन लिव्ड नियर कोई मेरे पास में रहता देअ नो वन मतलब देयर इज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है नो वन टू प्ले विथ एटॉल मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है द ट्रीज आर सो हाई यहाँ पे ये पेड़ इतने ऊंचे ऊँचे हैं एंड सो टॉल इतने टॉल है लंबे हैं एंड आई शुड बी लोनली फॉर आर्स और मैं इसीलिए अकेला रह जाता हूँ बहुत सारे घंटों के लिए क्योंकि शायद ये बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा हमें इस पोए में पढ़ के तो नहीं पता चल रहा है लेकिन शायद जाता भी होगा लेकिन बाकी टाइम उसे खेलने के लिए ना तो पार्क मिलता है ना गार्डन मिलता है ना आपस में छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं तो ये बच्चा बहुत लोनली फील करता है अकेला फील करता है वेर वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स जहाँ पे भले ही बर्ड्स हो चिड़िया हो और बहुत सारे फूल हो चलो ये अच्छी बात है मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन बर्ड्स मेरे साथ खेलते तो नहीं फूल मेरे साथ खेलते तो नहीं बिकॉज फूल तो नॉन लिविंग थिंग है और बर्ड्स को पकड़ने जाऊंगा तो ये तो उड़ जाती है तो मैं इसीलिए बहुत लोनली फील करता हूँ ऐसा विलेज चाइल्ड बोलता है अब देखिए सिटी चाइल्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे विलेज वाला बच्चा बोल रहा है कि काश मैं शहर में जाके रह पाता लेकिन शहर वाला बच्चा उतना भी खुश नहीं है ये क्या बोल रहा है I live in a city, in a street. मैं एक शहर में रहता हूं और मेरा घर एकदम मेन रोड के ऊपर है जहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज है इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक और यहाँ पे भीड़ है ट्रैफिक की भीड़ ट्रैफिक क्या होता है जब लोग अपनी गाड़ी में स्कूटर के अंदर रस्ते पे खड़े होके सिग्नल पे खड़े रहते हैं या फिर बहुत सारे गाड़ी आपस में जब चिपक चिपक के रस्ते पे चल रहे होते हैं बहुत स्लो स्लो चलना पड़ता है वो होता है ट्रैफिक यहाँ पे इतनी भीड़ है लोगों की गाड़ियों की ट्रैफिक वाली भीड़ है एंड फीट कुछ कुछ लोग जो पैदल चलते हैं उन सबकी एक साथ मिला के भीड़ कहाँ पे है शहर में है देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स यहाँ पे रस्तों पे बस चल रही है मोटर्स मतलब स्कूटर बाइक्स टैक्सीस चल रहे हैं और ट्राम्स भी चल रहे हैं ट्राम क्या होता है मोस्टली ये वेस्ट बंगाल पे चलते हैं रस्ते के ऊपर चलने वाले एकदम स्लो स्पीड में चलने वाले ट्रेन इन्हें हम ट्राम्स बोलते हैं तो ये शहर वाला बच्चा भी बोल रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहां पे मेरा घर एकदम रस्ते के ऊपर है अरे हमेशा भीड़ लगी रहती है लोगों की भीड़ जो पैदल चल रहे हैं जो गाड़ी भी लेके चल रहे हैं जो बसेस में चल रहे हैं जो मोटरसाइकिल में चल रहे हैं ट्राम्स में चल रहे हैं भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे आई विश काश मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश मैं देअर वर मीडोज एंड लैम्प कि काश यहाँ पे हरियाली होती और भेड़ होते आसपास। मतलब ये बच्चा कहाँ के बारे में सोच रहा है ये बच्चा विलेज के बारे में सोच रहा है कि काश मेरे घर के आसपास पास मीडोज होते एक सुनहरे सुनहरे एकदम हरियाली होती पेड़ ही पेड़ होते जहाँ पे मैं छोटे छोटे भेड़ों को चरते हुए देख पाता एंड हाउसेस ऑल वेट इन अ रू और जहाँ पे घर एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे होते मुझे देखने के लिए देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो लेकिन यहाँ पे मेरे सिटी वाले घर के आसपास हर जगह स्मोक ही स्मोक है स्मोक मतलब धुआं जो काला काला धुआं गाड़ियों के पीछे से निकलता है और हमारे लिए खांसी का कारण बनता है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है मैं जहां पे भी जाता हूँ एवरीवेयर देयर इज स्मोक इज स्मोक वेयर दैट आई गो आई डोंट लाइक द नॉइज मुझे शहरों में इतना ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दैट आई हीयर आई विश देर वर वुड्स वेरी नीयर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश मेरे आसपास फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होता तो बात दरअसल ऐसी होती है कि हम जहाँ पे रहते हैं रहते रहते कई सालों तक हम बोर हो जाते हैं और इसीलिए हम लोग हमारे मम्मी पापा हमें हॉलीडेज में लेके जाते हैं वैकेशंस पे लेके जाते हैं हम हिल स्टेशन जाते हैं बीचस में जाते हैं बहुत अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं जिससे कि हमारे डेली लाइफ के बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा ब्रेक मिले तो इसीलिए ये बच्चा सिटी वाला बच्चा सोच रहा है काश मेरा घर विलेज में होता और विलेज वाला बच्चा सोच रहा है काश मेरा घर सिटी में होता अब इसी पोयम के ऊपर हमारे कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं लेट्स टॉक द पीपल हु लिव इन सिटीज ऑफन विश दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन्स जो लोग शहरों में रहते हैं दिन से रात तक हर वक्त इतना शोर शराबा सुनते हैं अपने आसपास के लोगों का गाड़ी का ट्रैफिक का टीवी का रेडियो का हर जगह शोर ही शोर क्यों नहीं लगता है कि काश कुछ टाइम तो मैं किसी क्वाइट प्लेस में किसी शांत जगह पर रह पाता जिससे कि मुझे आराम मिलता डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन आप जिस जगह पर रहते हैं क्या आपको अपनी जगह पसंद है तो मुझे पर्सनली मैं जहाँ पे रहती हूँ मुझे तो वहाँ पर मैं एक छोटे से टाउन में रहती हूँ तो मुझे अपनी जगह अच्छी लगती है यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है और ज़्यादा क्वाइटनेस भी नहीं सो आई विल राइट यस आई लव द प्लेस वेर आई लिव इन द टू थिंग्स यहाँ पे फिर पूछ रहे हैं टेल योर पार्टनर द टू थिंग्स दैट यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन तो जो दो चीजें मुझे पसंद आती है मेरे घर के आस पास वो है पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग्स मेरे घर के पास उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है मेरा घर थोड़ा शहर के अंदर की तरफ है तो उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है और मेरे जो नेबर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है तो ये चीजें मुझे पसंद आती है और मुझे पसंद क्या नहीं आती दैट आई डोंट लाइक द टू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक आर बस स्टॉप इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस क्योंकि बस स्टॉप कहाँ होगा शहर के एकदम बीचों बीच होगा और जहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे क्राउड होती होगी वहाँ पे बस स्टॉप होगा तो क्योंकि मेरा घर क्राउड से थोड़ा दूर है इसीलिए बस स्टॉप से भी थोड़ा दूर हो जाता है और मुझे एक बस पकड़ने के लिए काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद देर आर अ लॉट ऑफ डोग्स डी ओ जी एस डॉग्स एंड काउस इन माई एरिया और मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे डॉगीज़ हैं और गाय हैं जो दिन रात भोबो भोबो और मुँह मुँह करते रहते हैं और कभी कभी रस्ते को डर्टी भी कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ें मुझे पसंद नहीं है तो उसी तरह का आपका घर भी जिस जगह पे है तो आपको पहले में ये लिखना है कि डू यू लाइक द प्लेस वेर यू लिव इन आप जहाँ पे रहते हैं क्या आपको अपनी जगह पसंद आती है अगर पसंद आती है तो आप लिखेंगे यस अगर नहीं आती तो आप लिखेंगे नो और उसके बाद आपको ये लिखना है कि कौन सी दो चीजें आपको पसंद आती है अपने जगह के बारे में और कौन सी दो चीजें आपको अपने जगह के बारे में पसंद नहीं आती चलिए आगे बढ़ते हैं ये ऑब्जर्व किया ध्यान से देखा द लास्ट वर्ड्स इन एवरी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम पोएम के लास्ट के सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो राइम कर रहे हैं राइम होने से क्या होता है ये सुनने में पोएम बहुत ही अच्छी लगती है कैन यू राइट अ फोर लाइन पोएम तो आप भी अपने लिए चार लाइन की एक छोटी सी पोयम लिखने की कोशिश करके देखिए सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी यू विल डू ऑन योर ओन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री तो यहाँ पे हमारे देश के पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने लोग हैं हमारे देश में एंड डू वी हैव एनफ लैंड फॉर ऑल पीपल और क्या उन सभी लोगों के लिए जो हमारे देश में रहते हैं उनके लिए जरूरत जितना एनफ लैंड है जमीन है घर बनाने के लिए ऑन दिस अर्थ हमारे पूरी दुनिया में इज देर एनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल और उन सब लोगों के लिए जो इस अर्थ में रहते हैं क्या उनके लिए भी काफी फूड और खाना और पानी है तो आंसर यह है कि हमारे देश का पॉपुलेशन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके कम भी होता है जब लोग मरते हैं बट इट इज ऑलवेज ऑन हायर साइड यह हमेशा बढ़ता ही रहता है और प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो देयर आर अबाउट 140 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री और ये स्टैटिस्टिक्स मैंने कब निकाला है एज ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी एकदम रिसेंटली ये वाला स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला है और इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको लेटेस्ट डेटा ऑन स्पॉट आपको मिलता ही रहेगा और इस दूसरे वाले लाइन का आंसर क्या है द एंसर इज नो वी डू नॉट हैव एनफ लैंड फॉर ऑल द पीपल ऑन दिस अर्थ

पूरा करने के लिए लैंड तो नहीं बढ़ रहा लैंड तो उतना ही है खाना और पानी भी उतना ही है जितना हम खा रहे हैं जितना हम उगा रहे हैं उससे कई ज्यादा फूड हम खा रहे हैं और कुछ लोग खाने को वेस्ट भी कर देते हैं पानी को भी वेस्ट कर देते हैं ज्यादा ज्यादा उतना नहीं बन पाता जितना लोग बढ़ते जाते हैं दैट इज वाई वी विल राइट नो पीपल ऑन दिस अर्थ उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है आपके टेक्सट बुक में आपको अपने पड़ोस में जाके कुछ पूछताछ करना है कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं और उनकी एज क्या क्या है यू हैव टू फाइंड आउट फॉलोइंग फ्रॉम टेन फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड नंबर वन क्वेश्चन इज चिल्ड्रेन बिलो फाइव इफ एज हर एक फैमिली में इतने कितने बच्चे हैं जो पांच साल के छोटे हैं तो मान लीजिए फैमिली नंबर वन में सिर्फ एक बच्चा है फैमिली नंबर टू में शायद कोई भी नहीं है उनके घर में छोटा बच्चा पांच साल से छोटा बच्चा उसके बाद फैमिली नंबर थ्री में शायद दो बच्चे होंगे फैमिली नंबर फोर में शायद कोई नहीं होगा और उसी तरीके से आपको बाकी सभी कॉलम्स भर लेने हैं नेक्स्ट वाला जैसे है चिल्ड्रन फ्रॉम फाइव टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेवेंथ या एट स्टैंडर्ड तक पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं तो मान लीजिए मैंने सैंपल इस तरीके के लिखा है उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली करना है तो मान लीजिए पे फैमिली नंबर टेन यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट तो यहाँ पे टोटल मैं एट लिखूंगी उस तरीके से सभी फैमिलीज का आपको यहाँ पे टोटल बनाना है और यहाँ पे क्या लिखना है सभी फैमिली में इस एज के कितने बच्चे हुए यहाँ पे वन प्लस टू है थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस वन फाइव ये जो टोटल है ये इस रो का टोटल हमें यहाँ पे लिखना है तो ये हम टेबल बना रहे हैं जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में चार्ट्स एंड टेबल्स में पढ़ा होगा अब क्वेश्चन कमिंग टू नंबर वन क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन फैमिली आपको अपने सर्वे में यह भी पूछना है कि एक एक परिवार में कितने कितने लोग एजुकेटेड हैं एजुकेटेड होने का मतलब जिनको एबीसीडी क ख ग या फिर अपनी ओन भाषा लिखना पढ़ना और बोलना आता हो जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं या फिर कर रहे हो और इन क्वेश्चन के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिख के तैयार करनी है तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल रिपोर्ट लिख लिया है रिपोर्ट में लिखने के सबसे पहले हमें उस रिपोर्ट का टाइटल लिखना होता है यानी कि हेडिंग तो यहाँ हेडिंग क्या है एजुकेशन इन पीपल अराउंड मी उसके बाद हमें डेट लिखना होता है कि हम कौन से दिन में हमने ये सर्वे किया था या फिर कौन से दिन में हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं हमारा डेट और हम कहाँ से लिख रहे हैं हमारे जगह का नाम तो जैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ मैं यहाँ पे बैंगलोर लिखूंगी डेट मैं आज का डालूंगी और यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगी कि ये रिपोर्ट किसने तैयार की है बाई योर नेम आएगा यहाँ पे उसके बाद रिपोर्ट हम कैसे लिखते हैं एज पर आवर स्कूल प्रोजेक्ट वी सर्वेड द पीपल इन माई नेबरहुड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड इन देयर फैमिली आई क्वेश्चन टेन ऑफ द फैमिलीज स्टेइंग नियर माई होम अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड देयर एजुकेशन स्टेटस ऑन क्वेश्चनिंग आई फाउंड आउट almost all the families are educated and people older than 80 years of age in a few families studied only till fifth standard and babies who are below the age of 3 are learning their alphabets i also found out that number of unemployed educated people are more इन दीज टेन फैमिलीज तो सर्वे में हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हमें क्या पता चला हम सबसे पहले रिपोर्ट में वो लिखते हैं और उसके बाद रिपोर्ट का एक कंक्लूजन भी लिखते हैं कि इस रिपोर्ट से हमें फाइनली क्या पता चला नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन लेटस इंटरव्यू इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रेस्पॉन्सेस रेस्पॉन्सेस मतलब एंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन वाई डिड यू बिकम अ टीचर आप टीचर क्यों बने हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे आप कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए स्कूल आते हैं डू यू हैव एनी पैट्स वॉट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड एंड वाट आर योर हॉबीज ये है पाँच क्वेश्चन तो क्योंकि मैं भी आपकी टीचर ही हूँ तो मैं आपको मेरे आंसर्स दे देती हूँ इसके अलावा आप अपने क्लास टीचर मैडम से भी पूछ के इन क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं सो नंबर वन आंसर इज I became a teacher because I love to teach young children. मैं स्कूल में कैसे आती हूँ I come to school by scooty every day. तीसरा क्वेश्चन क्या मेरे पास कोई पेट है No, I don't have any pets. मुझे कौन से बुक्स पढ़ना पसंद है I love to read story books. And answer five, my hobbies are singing and cooking. अब ये तो answers हमने point wise लिख लिए हैं sentences में अभी हमें क्या करना है इन्हीं चीज़ को पैराग्राफ के रूप में यहाँ पे लिखना है नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विथ द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड अभी पीछे हमने जो आंसर्स निकाले अपने टीचर से वो हमारे इंफॉर्मेशन है इनको हमने इकट्ठा करके सेंटेंसेस में लिखा अब हम पैराग्राफ में लिखेंगे कैसे लिखेंगे कुछ ऐसे चलिए पढ़ते हैं My teacher says she became a teacher because, because because she loves to teach young children. She reaches school in her scooty every day. She doesn't have any pet. Ya phir she doesn't have pets. She loves reading storybooks. Singing and cooking are her hobbies, which she loves to do in her free time. So, this was your last question. और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है इफ़ यूड हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे यूनिट नाइन लेसन के साथ जो कि है अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज वैसे अगर हमें अभी वर्ल्ड टूर पे अगर हम जाएंगे तो हवाई जहाज़ पे बैठ के एरोप्लेन पे बैठ के तो बहुत जल्दी हमारा टूर कवर कर लेंगे लेकिन एट्टी डेज़ में हम कौन सा अराउंड द वर्ल्ड का टूर कर रहे हैं ये जानेंगे हम हमारे अगले लेसन में तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज